हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। आज की फिल्म है एंटर नोवेयर। ये कहानी ऐसे चार अनजान लोगों की है जो फंस जाते हैं समय के भंवर में, जहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। ये फिल्म टेम्पोरल पैराडॉक्स पर बेस्ड है, जिसे हम टाइम पैराडॉक्स कहते हैं और टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक कपल एक गैस स्टेशन स्टोर में जाता है। जोडी और केविन दोनों कैशियर पर गन पॉइंट कर देते हैं। वो उन्हें कैश देता है। जोडी उसे सेफ खोलने के लिए कहती है। वो कहता है, अगर मैंने ये सेफ खोल दिया तो उसके बाद जो भी होगा तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। पर वो सेफ नहीं खोलता है। जोडी उसे शूट कर देती है और सारा दृश्य धुंधला पड़ जाता है। दूसरे दृश्य में हम जंगल में एक महिला को देखते हैं। उसका नाम सैम है। वो जंगल में रास्ता भटक गई है और वो काफ़ी डरी हुई है। उसे सामने एक कैबिन दिखता है। वो वहाँ चली जाती, शायद उसे वहाँ कोई मदद मिल जाए। वो कैबिन का दरवाज़ा खोलती है। वहाँ भीतर कोई नहीं था। अंदर बस एक रेडियो ट्रांसमीटर था, जो कि काफ़ी पुराने वक्त में यूज़ किया जाता था। तभी उसे बाहर एक हलचल सुनाई देती है। वो देखती है कोई शख्स भीतर आ रहा है और उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। वहाँ एक लोहे का बेड था। सैम उसके नीचे छिप जाती है। फिर से वो शख्स अपनी कुल्हाड़ी लेकर बाहर चला जाता है। सैम उसे देख काफ़ी डर जाती है और बाहर आकर वहाँ से भागने लगती है। भागते वक्त वो उसी शख्स से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। वो शख्स उसके पास आता है। वो देखता है सैम के पैरों में चोट आ गई है। वो बताता है, मेरे साथ कैबिन चलो, वहाँ फर्स्ट एड किट है। वो कैबिन में जाकर सैम का बैंडेज करता है। वो पूछता है, पर तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? वो बताती है कि कल रात हमारी गाड़ी का गैस ख़त्म हो गया था और मेरे हस्बैंड सर्विस स्टेशन की तलाश में चले गए और वो फिर वापस नहीं आए। वो कहता है, यहाँ पर कोई फ़ोन भी नहीं है, क्या तुम्हें ये बस्टेड रेडियो यूज़ करना आता है? सैम को लग रहा था कि ये उसका ही कैबिन है, पर वो बताता है, ये मेरा कैबिन नहीं है, मेरी भी कार का एक्सीडेंट हो गया था और मैं यहाँ आ गया। मैं यहाँ 3 दिनों से हूँ। ये सुन सैम चौंक जाती है और वो डरने लगती है। वो कहती है, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे अपने हस्बैंड को ढूंढना है। वो बताता है, कल रात यहाँ का तापमान -5 डिग्री था, अगर बाहर कोई होगा तो भी सरवाइव नहीं कर सकता। ये सुन सैम और ज़्यादा डरने लगती है। वो सैम को हिम्मत देता है कि उसका हस्बैंड ठीक होगा। सैम वहीं रुक जाती है। वो वहाँ आग लगाता है क्योंकि तापमान गिरता जा रहा था। वो पूछता है, पर कल रात इतनी ठंड में तुम कैसे सरवाइव कर पाई? सैम बताती है कि उसके कार में ब्लैंकेट था और वो सारी रात कार में ही थी। वो शख्स अपना नाम टॉम बताता है। वो कहता है, क्या तुम मुझे अपनी कार दिखा सकती हो? वो दोनों उस कार के पास जाते हैं पर कार स्टार्ट नहीं होती। वो कहती है, मैं अपने हस्बैंड का यहीं इंतज़ार करूंगी। टॉम कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। पर शाम हो जाती है, सैम का हस्बैंड वहां नहीं आता। टॉम कहता है, तापमान और गिर जाए इससे पहले हमें यहां से जाना होगा। सैम अपने हस्बैंड के लिए उस कार में एक नोट छोड़ देती है। जाते वक्त सैम को उल्टियाँ होने लगती हैं। रात वो कैबिन में बैठे होते हैं। वहाँ सैम पानी देखती है। वो कहती है, शुक्र है हम यहाँ प्यासे तो नहीं मरेंगे। इस पर टॉम कहता है, ये पानी मैं पीछे नदी से ले आया था, पर मैं जब वहाँ दूसरी बार गया तो वो नदी वहाँ नहीं थी। टॉम बताता है, मेरे कार में पेंट बकेट है और कुछ रबर हॉसिंग है, जिससे हम सिफॉन की मदद से मेरे कार से गैस तुम्हारी कार में डाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो ये चांस भी लेना होगा। वो पूछता है, पर तुम उस रात अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं गई? वो बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए एडम ने मुझे साथ जाने से मना कर दिया था। सुबह टॉम बाहर अपनी कार के पास चला जाता है। सैम को कुछ आवाज़ आती है। वो बाहर आती है, देखती है दरवाजे के पास एक लड़की बेहोश पड़ी है। वो उसे कैबिन के भीतर ले जाती है। ये लड़की कोई और नहीं, जोड़ी थी, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में स्टोर में रॉबरी करते हुए देखा था। यहाँ टॉम पाइप की मदद से गैस को डब्बे में भर देता है। सैम उस लड़की को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज थी। तभी जोडी को होश आ जाता है। वो पूछती है, मैं यहाँ कैसे पहुँची? उसे कुछ पता नहीं था। वो अपने बॉयफ्रेंड केविन के बारे में पूछती है, पर सैम कुछ नहीं जानती थी। जोडी वहाँ से निकलकर जाने लगती है। यहाँ गैस लेकर आते वक्त टॉम को एक गनशॉट सुनाई देता है और डर से उसके हाथ से दोनों डब्बे गिर जाते हैं और गैस ज़मीन पर गिर जाती है। जोडी को भी वो गनशॉट सुनाई देता है। जोडी थोड़ी देर बाद फिर से उसी केबिन पर आ जाती है। वो सैम से फ़ोन के बारे में पूछती है। सैम बताती है, यहाँ कोई फ़ोन नहीं है। जोडी सैम से काफ़ी गुस्से भरे अंदाज में बात कर रही थी। बात के दौरान सैम बताती है कि मैं इस कैबिन में नहीं रहती। जोडी को लगता था ये कैबिन सैम का ही है।
वो जोडी को सारी बात बताती है कि वो किस तरह इस कैबिन तक आई। जोडी का सवाल था फिर इस कैबिन में रहता कौन है, पर इसका जवाब सैम के पास नहीं था। तभी वहाँ टॉम आ जाता है। सैम उसे पूरी बात बताती है कि जोडी उसे बाहर बेहोश मिली थी। अब उस कैबिन में और कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। जोडी कहती है तुम यहाँ सबसे पहले आए थे तो तुम्हें सब पता होगा। टॉम बताता है मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था और मैं पिछले 4 दिनों से इस कैबिन में हूँ। वो सैम से बताता है उसने बाहर गनशॉट सुना। ये सुन सैम चौंक जाती है। उन्हें पता चल गया था उनके अलावा यहाँ और कोई है। जोडी वहाँ से जाने लगती है। वो बताता अगर सुसाइड करना है तो तुम बाहर जा सकती हो क्योंकि रात में तापमान -5 डिग्री तक गिर जाता है। सुबह तक तुम्हारी मौत हो जाएगी। जोडी रात वहीं रुक जाती है। सुबह जोडी टॉम के बारे में पूछती है। सैम बताती है वो बाहर मदद के लिए गया है। जोडी कहती है मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। सैम बताती है टॉम कई दिनों से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है पर उसे अभी तक कुछ नहीं मिला। जोडी वहाँ से चली जाती है। टॉम को जंगल में बंदूक की गोलियाँ गिरी हुई मिलती है। यहाँ जोडी चलते चलते एक जगह बैठ जाती है। उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं। वो काफ़ी डरने लगती है। कुछ देर बाद जोडी कैबिन वापस लौट जाती है। उसे कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। जोडी के पूछने पर सैम बताती है कि वो वर्जीनिया में रहती है। इस पर जोडी कहती है तो फिर तुम विस्कॉन्सिन में क्या कर रही हो। ये सुन सैम को काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ न्यू हैम्पशायर जा रही थी और विस्कॉन्सिन एकदम उल्टे डायरेक्शन में है, तो वो विस्कॉन्सिन कैसे पहुंच सकती है। ये सुन सैम हंसने लगती है। उसे लगता है जोडी उससे मजाक कर रही है। जोडी बताती है इस वक्त हम मिलवॉकी में हैं जो कि विस्कॉन्सिन का एक शहर है। दोनों को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि दोनों अपनी बातों को लेकर काफ़ी सीरियस थे। यहाँ टॉम दिन भर रास्ते का पता लगाता है पर वो फिर से खुद को उसी कैबिन के पास पाता है। जोडी उसे बताती है कि सैम पागल हो चुकी है। उसे लगता है हम न्यू हैम्पशायर में हैं। वो सैम से जाकर बात करता है पर वहाँ टॉम बताता है कि हम साउथ डकोटा में हैं। यहाँ बात और उलझ गई थी क्योंकि तीनों अलग जगह से हैं। इसका पता चलना काफ़ी मुश्किल है कि आखिर वो तीनों है कहाँ और किसकी बात सच है। सब एक दूसरे को पागल ठहराने लगते हैं। टॉम बताता है इस कैबिन के साथ कुछ तो गलत है क्योंकि तीनों को अपनी बात पर पूरा यकीन था। रात सब परेशान बैठे होते हैं। सैम को लगता उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। वो ये सोच के दुखी हो जाती है। टॉम कहता है हमें कुछ करना होगा वरना हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि खाना भी ख़त्म हो चुका है। सुबह वो तीनों साथ निकल जाते हैं। सैम एक जगह रुक जाती है। उसे डेविड की याद आने लगती है। जोडी उसे बताती है उसने अपनी माँ को नहीं देखा है। उसकी माँ जन्म देते ही गुजर गई थी। उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने बड़ा किया है। हम देखते हैं जोडी चलते वक्त गिर जाती है। उसके जेब में रखा पैसा नीचे गिर जाता है। टॉम ये देख लेता है। उसके पूछने पर वो बताती है मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये पैसे दिए हैं। सैम की नज़र नीचे एक लोहे के हैंडल पर पड़ती है। वो देखता है वहाँ एक दरवाज़ा है जिस पर ताला लगा है। वो उस ताले को कुल्हाड़ी की मदद से तोड़ता है। वो देखते हैं वो एक सीक्रेट बंकर है। टॉम कहता है ये कोई मिलिट्री बॉम्ब शेल्टर हो सकता है। वहाँ काफ़ी मैप्स लगे हुए थे। उस बंकर में काफ़ी खाने के सामान भी थे। सैम देखती है सभी चीज़ों में शब्द जर्मन भाषा में लिखे हुए हैं और वो मैप भी जर्मन भाषा में था। सैम बताती है ये मैप पोलैंड का है। जोडी पूछती है तुम्हें कैसे पता। सैम बताती है क्योंकि मेरे पिता एक जर्मन सोल्जर थे। मैं अपने पिता से कभी मिली नहीं। उनकी मौत एयर स्ट्राइक में हुई थी। जोडी कहती है ये काफ़ी इत्तेफाक की बात है। मेरे पिता भी जंग में मारे गए थे। वो काफ़ी फूड वहाँ से निकाल लेते हैं और वो चलते चलते फिर से उसी कैबिन के पास आ जाते हैं। वो कहीं भी जा रहे थे घूम फिर के उसी के पास आ जा रहे थे। रात टॉम कहता है कल हम तीनों अलग डायरेक्शन में निकलेंगे। जोडी कहती है ये सही तरीका नहीं है। टॉम बताता है अगर मुझे यहाँ कुछ हो भी जाता है तो कोई मुझे ढूंढने कभी नहीं आएगा क्योंकि मैं एक अनाथ हूँ और मैं एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी माँ को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। वो बताता है मैं उस दिन ऑर्फनेज की तरफ जा रहा था अपने एक पुराने दोस्त से मिलने और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं यहाँ पहुँच गया। रात सैम जोडी को उसके पैसे दिखाने के लिए कहती है क्योंकि उसने इतने पैसे कभी एक साथ नहीं देखे थे। जोडी उसे वो पैसे देती है। वो बताती है मैंने ये पैसे एक गैस स्टेशन को लूट के लिया है। सैम उसे देख के हंसने लगती है। वो कहती है ये पैसे तो नकली हैं क्योंकि इस पर प्रिंटेड ईयर 1984 है। सैम मजाक में कहती है क्या ये पैसे फ्यूचर में प्रिंट हुए हैं
जोडी शॉक हो जाती है। अब यह मामला और उलझ गया था। जोडी के पूछने पर वो बताती है कि उसके पिता वर्ल्ड वॉर टू में मारे गए थे और ये साल 1962 है। जोडी बताती है कि ये साल 1984 है। यहाँ जोडी के लिए ये साल 1984 है और वहीं सैम के लिए साल 1962। तभी टॉम भीतर आता है। वो सभी वाइन बॉटल पर लिखे हुए डेट्स टॉम को दिखते हैं। सब पे 1931 लिखा हुआ था। जोडी कहती है, ये देख तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता है? टॉम को कुछ नहीं समझ आ रहा था। उसके पूछने पर टॉम बताता है कि ये साल 2011 है। अब तीनों के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। पहले तो शहर अलग थे, पर अब साल भी अलग था। उन्हें बाहर एक गन शॉट सुनाई देता है। जब वो बाहर आते हैं तो वहाँ एक शख्स था। वो उन पर गन पॉइंट कर देता है। वो शख्स जर्मन में बात कर रहा था। वहाँ सिर्फ सैम को थोड़ी जर्मन आती थी। वो शख्स टॉम के सर पर गन से मार के उसे बेहोश कर देता है। हम देखते हैं उसने टॉम को बांध दिया है और यहाँ जोडी और सैम को भी एक चेयर से बांध दिया है। टॉम को समझ आता है कि ट्रांसमीटर रेडियो और बॉम्ब शेल्टर और वो जर्मन सोल्जर, इसका मतलब हम उस सोल्जर के टाइम पीरियड में हैं, शायद 1940 जो वर्ल्ड वॉर टू का टाइम है। सैम को टॉम पे शक होता है कि उसी ने सबको टाइम ट्रेवल करके यहाँ लाया है। पर टॉम कहता है 2011 इतना भी एडवांस नहीं है कि हम टाइम ट्रेवल कर सके, और आखिरी बार हम चांद पर भी 1960 में गए थे। वो शख्स फिर से कैबिन में आ जाता है। वो टॉम को अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। टॉम के हाथ की रस्सी खुल जाती है और वो उसे धक्का देकर भागने लगता है। वो उसे फिर पकड़कर उसे पेड़ से बांध देता है। वो सोल्जर कैबिन में आता है। वो देखता है जोडी के गले में एक लॉकेट है। वो उस लॉकेट के बारे में पूछने लगता है, पर जोडी कहती है ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। सैम उससे कहती है ऐसा सेम लॉकेट मेरे पास भी है। हैंस उन पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसके गले में भी वही लॉकेट था और उसमें एक महिला की तस्वीर थी। उस तस्वीर में जो महिला थी वो सैम की माँ थी। वो दोनों को टॉम के पास ले जाता है। सैम टॉम से पूछती है क्या तुम्हारे पास भी ऐसा लॉकेट है? वो कहता है नहीं। वो सोल्जर को अपने पास बुलाता है और पंच कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। उस लॉकेट में जो महिला थी वो सैम की माँ थी और जोडी की ग्रैंड माँ। वो उस सोल्जर की आईडी देखते हैं। उसका नाम हैंस न्यूमैन था। सैम बताती है ये मेरे पिता का नाम है और वो भी एक जर्मन सोल्जर थे। उसे पता चल जाता है हैंस उसका पिता है जो पोलैंड एयर स्ट्राइक में मारा गया था। सैम जोडी का बर्थ डेट पूछती है। जोडी बताती है 11 नवंबर 1962। वहाँ पता चलता है कि ये सैम के बच्चे की ड्यू डेट है। जोडी और कोई नहीं सैम की फ्यूचर बेटी है। जोडी का लास्ट नेम भी कोहेन था और उसके पिता का नाम भी एडम था। जोडी के पिता की मौत वियतनाम वॉर में हुई थी और जोडी की माँ यानी कि सैम उसे जन्म देते ही मर गई थी। उसके बाद उसकी परवरिश एडम के माता पिता ने की थी। ये जानकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। सैम केबिन से बाहर चली जाती है, पर बात यहीं ख़त्म नहीं होती। टॉम कहता है जोडी उसकी माँ है। उसके पास भी सेम ऐसा ही लॉकेट है, पर उसने कभी उसे अपने पास नहीं रखा क्योंकि उसे अपनी माँ से नफरत थी। जोडी इस बात से इनकार करती है कि वो उसकी माँ नहीं हो सकती। टॉम बताता है जब वो 4 दिनों का था तो उसे ऑर्फनेज ने अडॉप्ट कर लिया था और मेरी माँ को मर्डर और रॉबरी के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी और उसने एक कैशियर को शूट किया था। उसके बाद मेरे पिता को गोली मारी है। उसका पिता केविन बैंक्स था जो कि जोडी का बॉयफ्रेंड है। मेरा जन्म वुमेन्स प्रिजन में हुआ था 1985 को और मेरे पैदा होने के 8 महीने बाद उसे मौत की सज़ा दी गई। टॉम उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने छोड़ा था तो बस ये लॉकेट उसके लिए। जोडी इमोशनल हो जाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। वो सैम के पास आ जाती है। सैम के पूछने पर जोडी बताती है उसके गुजर जाने के बाद वो एडम की फैमिली के साथ रहने चली गई थी। वो अपने हाथ पर चोट के निशान दिखाती है। वो एडम के पिता ने उसे दिए थे क्योंकि वो एक शराबी था और जोडी को काफ़ी मारता था। ये सुन सैम दुखी हो जाती है। सैम केबिन के भीतर आती है और हैंस को बताती है कि वो उसकी बेटी है। वो उसकी रस्सी खोल देती है। वो बाहर चले जाता है क्योंकि उसे अपना मिशन पूरा करना था। यहाँ केबिन में सैम अपना सपना सभी से बताती है। वो एक बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती है। टॉम बताता है उसे भी एक सपना आता है कि उसने एक प्रीस्ट को गोली मार दी है। जोडी बताती है उसके सपने में उसे जहर वाला इंजेक्शन देकर मारा जा रहा है। ये तीनों के वही सपने हैं जो भविष्य में उनके साथ होने वाला है। टॉम कहता है हम इसे बदल सकते हैं, शायद यही रीज़न है कि हम एक साथ यहाँ हैं।
टॉम को पता चल जाता है सैम के पिता यही हैंस पोलैंड एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। अगर वो हैंस को मरने से बचा ले तो सब बदल सकता है। ना जोडी की माँ सैम मरेगी और ना ही जोडी को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना होगा और ना ही टॉम अनाथ होगा। टॉम मैप में देखता है वो पोलैंड के वीलन शहर में है और साल है 1945। आज ही वो दिन है जब हैंस एयर स्ट्राइक में मारा गया था। सैम देखती है जोडी के हाथ पर जो चोट के निशान थे वो गायब हो गए थे। उन्हें पता चल जाता है कि चीज़ें बदल रही हैं। टॉम बताता है इससे पहले एयर स्ट्राइक हो हमें हैंस को इस बॉम्ब शेल्टर में लाना होगा। वो हैंस के पास जाते हैं पर हैंस उन पर गन पॉइंट कर देता है क्योंकि उसे किसी भी हालत में अपना मिशन पूरा करना था। टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो टॉम पर गोली चला देता है और जोड़ी बीच में आ जाती है। गोली जोड़ी को लग जाती है और हैंस वहाँ से भाग जाता है। टॉम सैम से कहता है जोड़ी को मरने नहीं देना है, अगर जोड़ी मर गई तो मैं भी एग्जिस्ट नहीं करूँगा, भविष्य में मेरा कोई वजूद नहीं होगा। वो हैंस के पीछे चला जाता है। हैंस फिर से कैबिन के पास आ जाता है। वो टॉम पर गोली चलाने लगता है पर उसे गोली नहीं लगती है क्योंकि टॉम का शरीर गायब होने लगता है क्योंकि जोड़ी की मौत हो गई थी और अगर जोड़ी नहीं एग्जिस्ट करती तो टॉम का कोई भविष्य नहीं है। ये देख सैम रोने लगती है। सैम हैंस के पास आती है। इस बार हैंस उसकी बात मान जाता है और वो दोनों बंकर की तरफ भागने लगते हैं। वहाँ प्लेन्स ने एयर स्ट्राइक शुरू कर दिया था। भागते वक्त सैम गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। हैंस उसे उठाकर बंकर में लेकर चला जाता है। हम देखते हैं हैंस ने खुद को बचा लिया है और वहाँ से जोड़ी और सैम की बॉडी गायब हो जाती है। हम 1985 का दृश्य देखते हैं। जोड़ी उसी स्टोर पर है जहाँ उसने पिछली लाइफलाइन में रॉबरी की थी। वो कुछ सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसका एक सामान छूट जाता है। वो शॉपकीपर उसे उसका सामान देता है। जोड़ी कहती है क्या मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। वो शख्स मुस्कुराकर कहता है इस जगह का इफ़ेक्ट ही ऐसा है, हर किसी को लगता है कि वो पहले यहाँ आ चुका है। जोड़ी बाहर आती है। वहाँ केविन बैंक अपनी करंट गर्लफ्रेंड के साथ रॉबरी करने आया है जो कि पिछली टाइमलाइन में जोड़ी का बॉयफ्रेंड था। हम देखते हैं जोड़ी अपनी माँ सैम के साथ ही रहती है। सबने मिलकर पास्ट को बदल दिया था। हैंस वर्ल्ड वॉर टू 1945 की एयर स्ट्राइक में बच गया था और अमेरिका वापस आ गया था। उसकी मौत 1985 में होती है। उसने कई साल अपनी बेटी सैम के साथ बिताए थे। आखिरी दृश्य में हम जोड़ी और सैम को बीच पर जाते हुए देखते हैं। फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म का कॉन्सेप्ट ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पर बेस्ड है। जैसे मान लो आप समय यात्रा करके पास्ट में जाते हो और अपने माता पिता के पैदा होने से पहले ही अपने दादाजी को मार देते हो तो भविष्य में आपके होने की उपस्थिति भी ख़त्म हो जाएगी। जब आपके पिता का ही जन्म नहीं हुआ तो आपका जन्म कैसे होगा। इसी कॉन्सेप्ट को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। दोस्तों, हम इस पैराडॉक्स को फिर से समझते हैं। इस फिल्म में हमें चार जनरेशन दिखाया गया है, हैंस, सैम, जोड़ी और टॉम। हैंस जब 1945 पोलैंड स्ट्राइक में मारा जाता है तो सैम की माँ दूसरी शादी कर लेती है और एक दिन सैम की माँ और उसका हस्बैंड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। उसके बाद वो अनाथ हो जाती है। सैम ने उसके बाद डेविड नाम के एक शख्स से शादी कर ली थी और 1962 में डेविड वियतनाम वॉर चला जाता है और उस वक्त सैम प्रेग्नेंट थी। एक दिन वो घर में अकेली होती है। उसे दर्द होना शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चे की ड्यू आ गई थी। वो किसी तरह से एम्बुलेंस को फ़ोन करती है पर जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है सैम मर जाती है पर बच्ची को बचा लिया जाता है। यह बच्ची जोड़ी थी। उसके बाद जोड़ी को डेविड के पेरेंट्स की कस्टडी में भेज दिया जाता है क्योंकि जोड़ी एक अनाथ थी। डेविड वियतनाम वॉर में मारा गया था और सैम के माता पिता भी इस दुनिया में नहीं थे। डेविड का पिता एक शराबी था। वो जोड़ी को काफ़ी मारता था। जोड़ी की परवरिश उसी दुख तकलीफ में होती है। जब वो बड़ी होती है तो वो केविन से मिलती है जो कि गैस स्टेशन रॉबरी और ड्रग्स वगैरह लेता था। जोड़ी उसके साथ चली जाती है और उसने भी केविन के साथ स्टोर लूटना शुरू कर दिया था। जोड़ी प्रेग्नेंट हो जाती है। उस बच्चे का बाप केविन था पर वो उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है और जोड़ी केविन को शूट कर देती है। जोड़ी को केविन के मर्डर में जेल भेज दिया जाता है। कोर्ट उसे सजाए मौत सुनाती है। उसी जेल में जोड़ी एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा टॉम था। टॉम को एक ऑर्फनेज अडॉप्ट कर लेता है और जोड़ी को सज़ा दे दी जाती है और टॉम की परवरिश एक ऑर्फनेज में होती है। और दूसरी टाइमलाइन में जब हैंस एयर स्ट्राइक में बच जाता है तो वो घर आ जाता है और ना ही सैम की माँ दूसरी शादी करती है
और जोडी के बर्थ के वक्त सैम के माता पिता उसके साथ होते हैं और वो बच जाती है। अब आपको ये पैराडॉक्स पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।